स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज एक और हार का सामना करना पड़ा। 24 घंटे पहले हमने चर्चा की थी इस बात को लेकर कि T20 में न्यूजीलैंड भारत को परेशान करता है, लेकिन भारत तो शानदार टीम है, 4-1 से वनडे सीरीज जीत कर आए थे। लेकिन आज 40 ओवर के खेल में 180 डिग्री का यूटर्न। न्यूजीलैंड ने पहले 220 रन बना दिए, 219 रन बना दिए, जमकर धुनाई हुई। और फिर जब लगा भारत इन कंडीशंस में कम से कम लड़ेगा, अच्छी तरह लड़ेगा, एक बार फिर टॉप ऑर्डर फ्लॉप। 80 रन से भारत को हार मिली है T20 में। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है, सबसे बुरी हार है। मेरे साथ आज दो खास मेहमान हैं, इनसे सुनते हैं कि भारत की हार की वजह क्या है और क्या वाकई में भारत की जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो सही रास्ते पर चल भी रही है। सनी भाई हैं, मदन जी हैं। सवाल यह है कि क्या प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं शुरू हो गया? वर्ल्ड कप को देख रहे हैं लेकिन वो ये ना कि पास में देखते नहीं। कुलदीप यादव आज नहीं खेले, खैर ये एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में नहीं खेले। विजय शंकर को क्या भारत वर्ल्ड कप में एक स्पेशलिस्ट नंबर 3 के तौर पर देख रहा है, क्योंकि उनको बैट्समैन के तौर पर खिला लिया, गेंदबाजी कराई नहीं। ऋषभ पंत ने रन भी नहीं बनाए और जितनी गेंदें वो खेले, जिस तरह की शॉट्स उन्होंने खेली, लग रहा था कि नाजुक मौके को वो समझ ही नहीं पाए। और टॉप ऑर्डर लगातार फ्लॉप है, लगातार फ्लॉप है, मतलब फ्लॉप ही है। अब हैमिल्टन से शुरू करें, वेलिंगटन वनडे देखें और वेलिंगटन T20 देखें। सनी भाई, मैं बल्लेबाजी से शुरू करता हूं। वहां पर आप 55 रनों पर 8 विकेटें गवा दी थी, आप थे वहां पर। उसके बाद 18 रन पर 4 विकेटें अगले वनडे मैच में, उसके बाद भारत रिकवर करके जीत गया। आज फिर आप 77 पर 6 थे। लगातार 3 पारियां ऐसी हो गई हैं सनी भाई, जहां पर आपका टॉप ऑर्डर जो है लगातार फ्लॉप हो रहा है। देखिए, इसलिए ये दिखाता है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन की शुरुआत, अच्छी शुरुआत करके दिखाना बाकी के बल्लेबाजों के लिए वो कितनी अहम बात है। जब वो अच्छी तरह से शुरुआत करते हैं, जब उनकी साझेदारी को 70-80 कभी कभी 100 के ऊपर की साझेदारी होती है, तो फिर बाकी के जो बल्लेबाज है नंबर 3-4-5-6 उनको आसान बनता है। तो ये बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कितनी इम्पॉर्टेंट जोड़ी है ये हमारे पास, जो जिन्होंने हमें ज्यादा बार अच्छी शुरुआतें दे दी है। एक आधी बार जैसे कि आज हुआ, वो वेलिंगटन में हुआ था और हैमिल्टन में एक बार हुआ था, कभी कभी वो वैसा होता है। पर अगर रोहित शर्मा और शिखर धवन अच्छी शुरुआत करके दिखाएंगे तो फिर बाकी लोगों को दिक्कतें नहीं आती। सही बात है सनी भाई, लेकिन कहते हैं ना कि आप एक्सपेरिमेंटेशन जो मर्जी करते रहे, वर्ल्ड कप की एक दो जगह ही तो है जहां पर भारत देख रहा है कि इसको खिलाएं या उसको खिलाएं, लेकिन जीत एक दवा है, जीत एक ग्रेवी ट्रेन है, जिस पर कोई चढ़ता है तो फिर उसे सफलता मिलती है। लेकिन अब भारत को जीत नहीं मिल रही है। 139 ऑल आउट, और जो सनी भाई से बात हो रही थी कि सलामी बल्लेबाज आपको शुरुआत देते हैं और आप अच्छा करते हैं, लेकिन 3 मैच लगातार। अब यह भी सवाल है कि सलामी बल्लेबाजों को क्या हो गया? नहीं देखिए, फिक्र की बात है जी, फिक्र की कोई बात ऐसी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले 3 मैचों में आपकी बैटिंग नहीं चली। देखिए, पहले भी इन्होंने मैच जिताए हैं, शिखर धवन और रोहित शर्मा, इनका चलना बड़ा जरूरी है जैसे सनी भाई ने कहा, क्योंकि देखिए बल्क ऑफ द रन ये विराट कोहली और नंबर 4 पे इन्होंने बनाए हैं। अगर आपने इन्होंने ही रन बनाए हैं और इन्होंने मैच जिता रहे हैं, तो इससे अच्छा है तो आप पीछे से एक ऐसा एक्स्ट्रा बॉलर डाल लीजिए, ताकि जितने आजकल जितने भी मैचेस जिताए 2-3 सालों में उन बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की, आपको ज्यादा। लेकिन याद आपकी बैटिंग ही नहीं चल रही। नहीं देखिए, अगर रन ही कम बने, अगर यही टारगेट 160-180 होता तो ज्यादा आसान टारगेट हो जाता, क्योंकि इतने बड़े टोटल में बैट्समैन ट्राई तो कोशिश करता है चेज करने की, पर एक दो ओवर भी पीछे अगर आप पड़ जाते हैं तो वही रन रेट जो है 13 पे पहुंच जाता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि एक्स्ट्रा बॉलर लेके चलना बड़ा जरूरी है। आपके 6 बैट्समैन बहुत है, क्योंकि आप वही जिताएंगे अगर उन्होंने मैच जिताया। पर आज का हारने का कारण मैं समझता हूँ कि बॉलिंग है, क्योंकि बॉलिंग को फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। क्योंकि देखिए, एक कैच भी है इस 2020 शॉर्टर फॉर्मेट में अगर ड्रॉप होता है तो बहुत ज्यादा अंतर पड़ता। हमने किए एक दो अच्छे कैच किए, पर बाकी जो कैचे जो क्रूशियल स्टेजेस पे आगे छूटे हैं वहां से बहुत फर्क पड़ा। सही बताओ सनी भाई, बड़ी गेंदबाजों की धुनाई भी हुई। अब सवाल यह है कि टीम मैनेजमेंट भी तो कश्मकश में है कि वर्ल्ड कप के लिहाज से जो 2-1 स्लॉट रह गए हैं उसके लिए खिलाड़ियों को ट्राई करें या सिर्फ यहां पर सीरीज जीतने की कोशिश हो।
आप अगर कप्तान हो या आप अगर कोच हो तो आपकी तवज्जो किस चीज में होगी? आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे ज्यादा या फिर आप कहेंगे मुझे हर मैच जीतना है? देखिए, दोनों का मिश्रण होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि जो अब वर्ल्ड कप जो होना है वो दो अब दो तीन महीने में वर्ल्ड कप होना है, जो आपकी फाइनल मतलब स्क्वाड जो बननी है उसके लिए थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन तो होनी चाहिए, और इस T20 मैच में आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल सकता है कि किस तरह की मानसिकता है आपकी, जो खिलाड़ी है जो मतलब जिन पर आपकी निगाहें हैं, जैसे कि विजय शंकर या ऋषभ पंत, तो फिर उनको देखना होता है कि T20 में भी देखें कि 50 ओवर के लिए कैसे वो सूट होते हैं कि नहीं। पर हाँ, मैच तो जीतना है, पर क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप अक्टूबर 2020 में, मतलब और 1.5 साल है, तो मैं इस जो ये जो श्रृंखला है T20 की श्रृंखला हो रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसको मैं इतना, अगर यहां पे अगर भारतीय टीम हार भी जाएगी तो मैं इतना निराश नहीं होऊंगा। हाँ, हार तो नहीं जाना चाहिए, पर अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप अभी आपके वर्ल्ड कप के लिए कॉन्सेंट्रेट करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आपको विजय शंकर को मौका देना चाहिए, आपको ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए, आपको कृणाल पंड्या को मौका देना चाहिए। देखना उनको देखकर वो कैसे किस तरह से प्रेशर को हैंडल करते हैं, वो देखकर ही आपको पता चलेगा कि क्या 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए वो तैयार है कि नहीं। ऋषभ पंत की मैं स्पेसिफिकली सनी भाई आपसे बात करता हूं, ऋषभ पंत की आप भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, हम भी करते हैं, मदन जी भी कहते हैं, सब कहते हैं कि इनमें एक्स फैक्टर है, इनको वर्ल्ड कप लेकर जाया जाए। आज जितनी देर उन्होंने बैटिंग की, जो शॉट्स उन्होंने कोशिश की, लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के अपने शौक को भुलाकर फिर वहीं से शुरू हुए, एशिया कप में जो गलतियां की उसी तरह की, भाई मैं वो शॉट खेलूं जिससे मैं आउट हूं। देखिए, अभी अभी वो तो 21 साल के है, तो उनको इतना अनुभव है नहीं। मैं समझता हूं कि आज रवि शास्त्री उनके साथ बैठेंगे, रोहित शर्मा भी उनके साथ बैठेंगे, उनको कहेंगे कि देखिए, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी आप चौथे गियर से शुरुआत नहीं कर सकते। आपको अगर शुरुआत करनी है, गाड़ी को आगे लेनी है, तो गाड़ी को पहले गियर से ही शुरुआत करनी है। तो जब ये ऋषभ पंत को पता चलेगा कि जिस तरह से उन्होंने सिडनी में शतक लगाया था टेस्ट में और ओवल में शतक लगाया था, जिस तरह से उन्हें अपनी पारी को बिल्डअप किया था, वैसे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी थोड़ा सा अपने आप को वक्त दे सेट होने के लिए। फिर उनके पास जो काबिलियत है बड़े शॉट मारने की, गेम को पलटने की जो काबिलियत है उनके पास, वो तो भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए उन पर विश्वास रखना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए, उनको और मौके देने चाहिए। सिर्फ ऋषभ पंत को नहीं, मैं कृणाल पांड्या की बात करता हूं, कृणाल पांड्या के पास बड़ी अच्छी मानसिकता है, विजय शंकर को आप मौके दीजिए, फिर आपके जो मतलब वर्ल्ड कप के लिए जो तीन स्पॉट्स होंगे, 13, 14, 15 के जो स्पॉट होंगे, वो आपको पता चलेगा क्या उसके लिए ये सूटेबल है कि नहीं। और इन युवा खिलाड़ियों पर भी निर्भर करेगा ना कि मौके जो मिलेंगे उन मौकों को भुनाया भी जाए, क्योंकि वाकई में मौके मिल रहे हैं, मौकों को भुनाना भी है। एक बड़ा सवाल है मदन जी और सनी भाई दोनों से जानना है मुझे ब्रेक के बाद, जो रवि शास्त्री ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि विराट कोहली कभी कभी वर्ल्ड कप में टीम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जरूरत के वक्त पर नंबर 4 पर भी खेल सकते हैं। ये सनी भाई इसका क्या जवाब देते हैं, मदन जी क्या देते हैं, उसके लिए आपको ब्रेक के बाद वापस आना होगा। लेकिन ब्रेक पर जाते जाते एक बार फिर आपको बता दें आज रात 8 बजे का एजेंडा क्या है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स तक को, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, और आज के प्रदर्शन पर ही कि ओवर एक्सपेरिमेंटेशन या फिर युवा खिलाड़ी मौकों को भुना नहीं पाए, क्या ऐसी वजह है, क्यों भारत का टॉप ऑर्डर लगातार 3री बार फेल हुआ है, ये सारे सवाल उठाए जाएंगे। आपको यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। तो रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू दिया है और मदन जी और सनी भाई से मेरा सवाल है, सनी भाई वो कहते हैं कि हम फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में, वर्ल्ड कप में हो सकता है कि विराट को अहम मौकों पर कंडीशंस के हिसाब से नंबर 4 खिलाया जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक अच्छा नंबर 3 हो, तभी मैं विराट को नंबर 4 उतारना चाहता हूं। हाँ, बात तो यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, आपके पास अगर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना अपनी टीम के लिए अच्छा रहता है।
देखिए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में क्या हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, पहले ओवर में रोहित शर्मा आउट हो गए मोहम्मद आमिर को, उसके बाद में जब रोहित जब विराट बल्लेबाजी करने आए तो कंडीशंस ऐसी थी कि जहां पे गेंद काफी स्विंग हो रही थी, गेंद में उछाल थी, पाकिस्तान की टीम 300 रन करके एकदम उत्तेजित थी। तो फिर ये जरूरी होता है कि अगर उस वक्त आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट बल्लेबाज है विराट कोहली, उनको अगर थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी जाए, नंबर चार पर वो खेलने के लिए आए, तो जब शायद ये भी हो सकता है कि गेंद उस वक्त जब वो नंबर चार पर खेलने आएंगे तो गेंद उतनी हिलेगी नहीं, तो उसका फायदा भारतीय टीम को ही होगा। तो हाँ, कंडीशंस देखकर ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो विराट कोहली नंबर तीन पर ही सूटेबल है। पर अगर ऐसी कुछ कंडीशन है जहां पे गेंद ज्यादा घूम रही है, ज्यादा स्विंग हो रही है, तो शायद विराट को नंबर चार पे आना बेहतर होगा। आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, नंबर तीन पे उनका नंबर है जहां पे उन्होंने मैक्सिमम रन बनाया। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, मतलब कभी कभी अगर आपको लगे। हाँ डिपेंड करता है मैच सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ही टॉप का प्लेयर है आपका नंबर वन, और ही नोज हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक। शायद वनडे इतिहास में भी इनसे बड़ा नंबर तीन नहीं रहा। नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, इन्होंने काफी मैचेस जिताए हैं। देखिए हम कई बार आपका कोलैप्स उन्होंने रोका है और उसके साथ साथ उन्होंने मैचेस भी जिताए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा जरूरी है छोटी क्रिकेट में, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एक नंबर तीन तो चाहिए। पहले नंबर चार ढूंढते रहे अंबादी रायडू ने, वो पारी खेली, उसके बाद लगा शायद उनकी टिकट पक्की हो गई है, लेकिन इसके बीच ये बयान आया। पता नहीं, खैर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ना, तो उससे गड़बड़ भी हो जाती है, जो शायद आज हुई। कम से कम हो सकता है अगले दो T20 मुकाबले जीतकर भारत सीरीज जीते। लेकिन फटाफट से जाएं YouTube पर, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। रात 8 बजे ये बहस है आज के मैच को लेकर, क्या वजह है, क्या खुद ही से हम ढीले हो गए? नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। और सनी भाई, आप तो न्यूजीलैंड में थे, उम्मीद है कि आप स्पोर्ट्स तक देख रहे थे वहां पर, आज देखेंगे? जी हाँ बिल्कुल, उसी से तो मुझे बाकी की जो स्पोर्ट्स की न्यूज थी उसकी इंफॉर्मेशन मिलती थी, और जिस तरह से भारतीय क्रिकेट सपोर्टर्स भी जो श्रृंखला चल रही थी उसके बारे में क्या सोच रहे थे उसी के बारे में भी पता चल रहा था। तो हाँ, उस वक्त भी मैं देख रहा था और आज भी मैं थोड़ी देर के बाद स्पोर्ट्स तक देखूंगा। जी सनी भाई, 10 मिनट के बाद लाइव होंगे हम स्पोर्ट्स तक पर। यूट्यूब पर जाकर फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और फिलहाल इजाजत दीजिए।